नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू रॉय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में पंचायत चुनाव का लहर बहुत तेज हो उठा है। यहां तक कि पंचायत चुनाव के तारीख भी घोषित कर दिए गए हैं। हर जगह लोग तैयारी में जुट चुके हैं अपने अपने पंचायत को लेकर, जितने भी वहाँ के मुखिया हैं और प्रत्याशी हैं। इसी चुनावी लहर के दौर में हम पहुंच चुके हैं नालंदा जिले के कराय परसुराय पंचायत में, और हमारे साथ मौजूद हैं यहां के वर्तमान मुखिया साहिबा किरण कुमारी जी। आइए हम उनसे खास बातचीत करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर, साथ ही विगत 5 सालों में उन्होंने अपने पंचायत के लिए क्या कुछ किया, नहीं किया, इन सारी चीज़ों के बारे में उनसे बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप अभी वर्तमान मुखिया हैं, तो सबसे पहले आप अपने पंचायत के बारे में कुछ बताइए। ये नालंदा जिला करार पसरा प्रखंड, पंचायत भी मेरा करार पसरा, और मेरा नाम कुमारी किरण देवी। हमने ये जो मुखिया जब बने तो मेरा मन में तमन्ना था, मेरा एक विश्वास था, और मैं एक तहे दिल से अपने पंचायत के बीच में हमने इस कार्य करने के लिए हमने आए थे, और हर घर हर गली में कार्य करने के लिए चेष्टा रख करके और किए भी हैं। सात निश्चय द्वारा जो कार्य किया गया, नली गली हो या नल जल का कार्य हो, दोनों कार्य मेरे यहाँ सफलतापूर्वक हुआ। कुछ कमी रह चुकी है, रहती ही है, 100% में कुछ कमी रहती है, लेकिन क्या वजह रही उस कमी की? उसका वजह यही है कि जनता में जागरूकता थोड़ा सा कमी है, लेकिन धीरे धीरे जितना पीछे था उससे बहुत 98% कहिए तो हम ला दिए हैं उस तरह को। जहाँ पैसा तसीलने की बात नहीं है, वहाँ पैसा भी तसीलवा रहे हैं, लिस्ट भी बनवा रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। पहला योजना मुख्यमंत्री का नल जल का, दूसरा नली गली, पक्की नली गली, दोनों सफलतापूर्वक है। और इसमें राशन किरासन की बात है, पेंशन की बात है, पेंशन में हुआ जन्म है, मृत्यु है, आरटीपीएस काउंटर पर कटाया जाता है, उसमें एक पैसा कहीं किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं उठाने की बात करता है। उसमें बहुत अच्छा तरीका से आरटीपीएस काउंटर हमारी चल रही है पंचायत सरकार भवन में ही, और पर डे वो लेटर के अनुसार जिला से जो लेटर जो आई थी उस अनुसार हमने पर डे एक एक घर से, मतलब वार्ड वाई हो, आंगनवाड़ी की अथी से हो, सबके द्वारा जानकारी लेकर एक एक बच्चे को जन्म होता है उसी तरह हम लोग बनवा देते हैं जन्म प्रमाण पत्र। इंदिरा आवास लगभग कितने लोगों को पहुंचाने का काम? हाँ, इंदिरा आवास पे कार्य जो हुआ वो बहुत कम हुआ है मेरे यहाँ, क्योंकि थोड़ा बहुत कम इसलिए रहा कि बीच में जो 50,000 का जो था कि क्षति जो हो गया है उसको देना है लेना है, उसमें सूची बनाने में थोड़ा सा कमी हुई, और अच्छा ही मिला। अच्छा, और इसके अलावा देखिए, इंसान की 5 जरूरत की चीज़ें होती हैं, रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी 2 चीज़ें होती हैं, शिक्षा और चिकित्सा, जिस पे पहल होना, कोई भी अगर आप अपने पंचायत के प्रतिनिधि है तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि उस पे आप पहल करें। तो आपके पंचायत में शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था कैसे? हाँ, शिक्षा की व्यवस्था भी बहुत अच्छा रहा। जहाँ +2 का जो स्कूल है वहाँ भवन अच्छा नहीं था, उसका भवन भी बना, बहुत अच्छा बना भवन भी, उसमें पढ़ाई भी शुरू हो गई है, टीचर भी बहुत अच्छे भी हैं, वो लोग भी पढ़ाते हैं। छोटे हैं जैसे 1 क्लास से लेकर, जैसे आंगनबाड़ी भी हो गया 1 से 8 तक जो क्लास जो होता है, वो सब स्कूल में भी हम जाने पर ये पता चलता था कि शिक्षक हैं जो आ ही रहे, अक्सर आते रहते हैं और पढ़ाई होता ही है। और बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे हमारे नेसरा का ही एक बात बताते हैं, जहाँ की बहुत पीछा हुआ था लोगों ने, लेकिन वहाँ पर साल बच्चे हैं जो कि जॉब कुछ ना कुछ ले रहे हैं, कम से कम 1 साल में 2 बच्चे 3 बच्चे हमारे वहाँ से जॉब लेकर निकल रहे हैं, ये गांव से, ये बहुत बड़ी ये बात है, समझे ना। अच्छा, 5 साल में, अभिगत 5 सालों में आप यहाँ की मुखिया रही हैं, आपके अनुभव के हिसाब से आपकी कितनी प्रतिशत जनता जो है आपसे खुश है? खुश करने के लिए तो हमने चाहे तो 95% चाहेंगे कि मेरे खुश ही हैं, लेकिन हकीकत बात है कि अब तो जनता जवाब देगी, उसी समय कहेंगे कि मेरे साथ जनता कितना खुश हुए। इस बार फिर से आप खड़ी हो रही होंगी? हाँ हाँ, बिल्कुल खड़ा रहेंगे। आगे इस बार खड़े होने का उद्देश्य क्या लेके चले? मेरा उद्देश्य ये है कि जब हम अगले मुखिया अगर हम बन के आएंगे तो सबसे पहले हमने अपने पंचायत में एक खेल का जो मैदान जो है
उसको हम बहुत अच्छा से सुसज्जित करेंगे उसको। और एक मेरा पंचायत सरकार भवन से अपोजिट थोड़ा सा जगह जो है, उस जगह में हमने बच्चों के लिए एक पार्क बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। वो पार्क मेरा योजना में भी लिया हुआ है और कार्यकारिणी की बैठक में भी पास है और हमने ग्राम सभा से भी पास करवा लिए हैं और जीपीटीपी का जो बैठक हुई थी उस जीपीटीपी के बैठक में भी हम डलवा लिए हैं और वो कार्य हम करेंगे, पहला काम। दूसरा काम हमने करेंगे जिम के लिए व्यवस्था करें, बच्चों के लिए जो खेलने का जो व्यवस्था है वो हमारा हाई स्कूल का जो फील्ड है उस फील्ड में हम अपने बच्चों के लिए खेलने के लिए कुछ एक्सरसाइज करने के लिए हम वहाँ पे कुछ अपना ये 15वीं वित्त योजना के द्वारा जो पैसा आती है उस पैसे के हिसाब से हमने कार्य करने के लिए प्रयास किए हैं, सब योजना तैयार करके रखे हुए हैं। तीसरा काम हमने सोचे है कि अपना जो किराया पसरा पंचायत जो है मेरा, वो मेरा अल्ट्राटेक पटना और नालंदा का जो बॉर्डर जो है, अल्ट्राटेक सीमेंट जो है, वो बॉर्डर से जब घुसते हैं तो हम लोग किसी को पहचान देने के लिए कहते हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट्स जो मिलता है फैक्ट्री, उसके बाद आइएगा तब किराया पसरा आइएगा और दाएँ मुड़िएगा बाएँ मुड़िएगा, वो कहने से पहले बेस्ट एक हम गेट बनवाना चाह रहे हैं कि हमारा पंचायत का एक मतलब देखने में किसी को परेशानी ना हो और वो अच्छा लगे कि ये किराया पसरा पंचायत है, आम आदमी भी उस चीज़ को जानकारी ले सके और पढ़ करके मेरे पंचायत में आ सकते हैं। जैसे आप ही को आने में परेशानी हुई होगी कि किराए जाए तो कैसे जाए, किधर है, किस रास्ते से जाए, तो वो मेन गेट बनाने का मेरा उद्देश्य बहुत अच्छा है। और मेरा पंचायत है छोटा है, बिहार भर में हमको लगता है कि मेरा पंचायत बहुत छोटा है, 15 वार्ड है, 9 वार्ड मेरा PhD है, ठीक है, 9 एक 10 वार्ड जिसमें 1, 2, 3, 4 और 13 ये वार्ड जो है मेरा नल जल जो हुआ 7 निश्चय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, बाकी जो है 13, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 ये सब वार्ड जो है मेरा PhD से है। अच्छा, एक प्रधानमंत्री योजना के तहत आयुष्मान भारत योजना भी आई है, इस चीज़ पे आपने कितना प्रतिशत पहल किया या फिर लोगों को, आयुष्मान भारत की योजना चल रही है प्रधानमंत्री के द्वारा आयुष्मान भारत योजना, उसके लिए आपने कुछ कहा? हाँ, जो भी गरीब तत्व के जो व्यक्ति थे, महादलित टोला हो या तो जहाँ भी हो, तो गरीब का तो कोई ये नहीं होता है कि ये टोला में गरीब के व्यक्ति ही रहते हैं, ऐसा बात नहीं है, सभी कास्ट में गरीब है ये, तो जहाँ जहाँ मेरे को ये लगा उस हिसाब से लिस्ट लेकर के आशा के द्वारा, आंगनबाड़ी के द्वारा हमने हर घर में कार्ड को पहुँचाने का काम किए हैं। और कुछ अगर बच गए होंगे, गिने चुने तो नहीं कर सकते 100%, लेकिन हमने पहुँचाने। अच्छा, एक मुखिया रही हैं आप, विगत 5 सालों में एक मुखिया का अनुभव रखा है, सरकार के द्वारा जो भी फंड दी जाती है आपको क्या लगता है कि उतना फंड सफिशियंट है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप सरकार के सामने रखना चाहेंगी कि इसके अलावा भी अगर और कुछ होता तो हम और बेहतर कर पाते? हाँ, सरकार के सामने हम रखना चाहते हैं, ठीक है, कि जैसे कि पंचायत में जो हम लोग का चुनाव जो कैसे उसको हम बता सकते हैं, वो बताने में थोड़ा सा लगता है कि अगर हम बोले कहीं गलती ना हो तो उस पर कुछ सवाल उठे। साल आप मुखिया रही हैं तो कुछ तो अनुभव रहा, ये लगता है कि हम सरकार से अगर बात ये गुहार लगाते कि हमारा जो मिनी जो हम लोग का एक विधायक माना जाता है, कहता है मुखिया एक मिनी विधायक है, ठीक है, हैं जरूर, लेकिन हमारी आवाज़ को ज़ोर से उठाने वाले जो ताकत होना चाहिए वो ताकत हमको नहीं मिल पाता है, महिला नाते या मुखिया नाते या अशिक्षित नाते, बहुत सारी बातें हो सकती है जो हमारा बात सुनने के लिए ऊपर उठाने के लिए कोई तैयार नहीं होता, और खुद से उठा करके ले चलने पर भी मेरा लगता है कमजोरी महसूस होता है। यानी कि आप अपनी बातों को मुख्यमंत्री तक डायरेक्ट पहुंचाने का कोई व्यवस्था? हाँ, प्रयास चाहते हैं कि हम खुद से जा करके उनसे हम ये करें, हम खुद से ये बात को रखें कि हमारी पंचायत में ऐसी सुविधा हो जहाँ पे हम जैसी महिलाओं को कष्ट के सामना ना करना पड़े। यानी कि कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि एक महिला होने के नाते कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आ रही हैं? आ जाती हैं, हाँ कुछ तो आती हैं, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है बिहार अभी भी। ऐसा लगता है आप? ऐसा लगता है, हाँ, एहसास तो होता है, एहसास होता है, इस चीज़ की मांग रखना चाहेंगे? हाँ, मांग तो रखते हैं कि ऐसा तो बहुत दिए हमारे नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री, बहुत हम सबों के लिए बहुत कुछ किए और महिलाओं के लिए तो खास करके बहुत, 2006 या 2008 में उनको याद होगा हमने
ये मीना मंच का गठन किए थे, उसमें हमने जा कर के आपको गांधी मैदान में उनसे हम लोग मुलाकात किए थे और थोड़ा सा बात विचार भी बढ़ी थी 2008 में ही। जी बहुत बहुत, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करेंगे कि आगे मुझे चुन करके लाइए, जो छूटे बढ़े काम है उसको आज को हम पूर्ण करेंगे। बहुत कम है, 100 में 98% काम हम कर ही चुके हैं, कुछ ही काम बच गया है उसको अभी में हम पूरा कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ इस पंचायत की वर्तमान मुखिया और साथ ही भावी प्रत्याशी, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि फिर से इस बार ये चुनाव लड़ रही हैं और वर्तमान मुखिया तो ये अभी हैं ही, इन्होंने पूरी कोशिश की है यहाँ के सभी कामों को करने का और जितने भी एक पंचायत में जितने भी फंड्स आते हैं उसके तहत जो भी कार्य आते हैं, सात निश्चय योजना हो चाहे जो भी कार्य हो, पूर्णतः कोशिश किया इन्होंने सारे कार्य को जमीनी स्तर तक पहुँचाने का और जनता को हर संभव लाभ देने का। आगे भी इनका कहना है कि अगर ये मुखिया चुन के दोबारा से आती हैं अपने पंचायत के लिए, जनता इनको चुनती है, तो आगे भी ये बचे हुए कामों को और कुछ विशेष कामों को भी अंजाम देने का उद्देश्य बना के ये चल रही हैं। अब देखना ये है कि इनके कार्यों से यहाँ की जनता कितनी खुश है और कितना अपना बहुमत इनको देती है, क्या किरण देवी फिर से इस बार दोबारा से चुन के आती है या नहीं, देखना होगा। इसके लिए भी बने रहिए, ये भी जानकारी हम आपको बहुत जल्द देंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।